नमस्कार, मैं खुशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विश्वविद्यालयों में इसी सत्र से होगी साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई। बालू माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी। उत्तर बिहार फिर बाढ़ की चपेट में। 2 साल बाद पुस्तक मेले का हो रहा आगाज। हेड टू हेड प्रभुत्व के कारण भारत ने पाकिस्तान को किया दरकिनार। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली का दिखा असर। नीतीश कुमार की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली का असर दिखने लगा है। बिहार में भूजल के स्तर में वृद्धि हुई है। राज्य में 5826 में 20 फुट और 1588 पंचायतों में 30 फुट पर भूजल का स्तर मिलने लगा है। PHED का मानना है कि आगामी गर्मी में भूजल का स्तर कहीं नहीं गिरेगा और लोगों को पानी के लिए परेशानी नहीं होगी। जहां आसपास के राज्यों में गर्मी में पानी के लिए दिक्कत होती है, वहीं बिहार में हर परिवार तक पानी पहुंच रहा है। गांव में सोख्ता तालाब और कुएं की खोज की गई है। वहीं दोबारा से वैसे आहर पैन को अस्तित्व में लाया गया है जो कभी पानी का स्रोत रहा है। बालू माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी। बालू माफियाओं पर नकेल कसने और निगरानी रखने के लिए बेहटा के अमनाबाद और मनेर के दियारा क्षेत्रों में 2 अलग-अलग पुलिस पोस्ट बनाए जाएंगे। इन पुलिस पोस्ट में 1 सब इंस्पेक्टर व 12 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। बता दें कि बालू माफिया बालू का अवैध खनन न कर सके, इसके लिए गंगा नदी में पुलिस गश्ती भी कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन पुलिस पोस्ट को मनेर बेहटा पुलिस से जोड़ा जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की घटना होने पर तुरंत ही अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा जा सके। SP डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि जिन जिन इलाकों में अवैध बालू खनन को लेकर जानकारी मिली है वहां पुलिस पोस्ट बनाए जाएंगे और गंगा नदी में पुलिस गश्ती बढ़ाई जाएगी। 2 साल बाद पुस्तक मेले का हो रहा आगाज। बिहार का लोकप्रिय सांस्कृतिक महोत्सव पटना पुस्तक मेला इस बार वापसी को तैयार है। कोरोना संक्रमण के कारण 2 वर्षों बाद इस बार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दिसंबर के पहले सप्ताह से आरंभ होगा। बता दें कि सेंटर फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट की ओर से 2 से 13 दिसंबर तक आयोजित होने वाला पुस्तक मेला इस बार पाठकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। मेले में जनसंवाद, फिल्म प्रदर्शन, काव्य पाठ, लोक नृत्य, संगीत, नुक्कड़ नाटक, कथा पाठ, चित्रकला प्रदर्शनी, पुष्कर सम्मान समेत अन्य कार्यक्रम हर दिन आयोजित होंगे। विश्वविद्यालय में इसी सत्र से होगी साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई। देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन में साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई अनिवार्य होगी। ग्रेजुएशन प्रोग्राम में साइबर सिक्योरिटी का बेसिक और मिड लेवल का कोर्स पढ़ाया जाएगा जिसके 4 क्रेडिट होंगे। इसका मकसद डिजिटल शिक्षा के दौर में छात्रों को साइबर ठगी के प्रति सावधान करना, तकनीकी ज्ञान देना और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ तैयार करना है। इसमें साइबर सुरक्षा के लीगल, सामाजिक, आर्थिक पहलू से भी अवगत कराया जाएगा। बता दें कि सभी शिक्षण संस्थानों में हर महीने के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। UGC ने इस संबंध में सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालय में साइबर जागरूकता दिवस मनाने, उच्च शिक्षण संस्थानों को चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात करने तथा साइबर सुरक्षा जागरूकता पर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। बिहार में गुजरने वाली ट्रेनों में बढ़ी वेटिंग। दीपावली और छठ पर्व ट्रेनों में अभी से काफ़ी भीड़ और वेटिंग चल रही है, जिसे देखते हुए रेलवे ने भी तैयारी शुरू कर दी है। पर्व को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनज़र धनबाद मंडल के लातेहार स्टेशन पर 4 जोड़ी ट्रेनों के ठहराव का निर्णय लिया है। बड़वाडीह स्टेशन पर 2 जोड़ी और कोडरमा स्टेशन पर 1 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव 10 अक्टूबर के प्रायोगिक तौर पर अगले 6 माह के लिए किया गया है। इसके साथ ही छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव करने का निर्णय लिया गया है। यही नहीं, फेस्टिव स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है। शुरू हो गई छठ महापर्व की तैयारी। पटना शहर में छठ महापर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में अब पेसू ने भी छठ घाटों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए बीते दिन शनिवार से तैयारी शुरू कर दी है। पूजा के अवसर पर सभी 105 छठ घाटों पर विद्युत कर्मियों की टीम तैनात रहेगी, जबकि बिजली आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए 9 कंट्रोल रूम पेसू के अलग अलग क्षेत्रों में बनेंगे। विद्युत कर्मियों की टीम समस्या आने पर उसे तुरंत दूर करेंगे और बिजली आपूर्ति को जल्द से जल्द बहाल करेंगे। कंट्रोल रूम में संबंधित डिवीजन के कार्यपालक अभियंता खुद मौजूद रहेंगे, जो कहीं से आपदा की सूचना मिलने के साथ तुरंत उस क्षेत्र की बिजली आपूर्ति काट देंगे। साथ ही ट्रांसफार्मर को चेक करने का काम भी शुरू हो गया है। उत्तर बिहार फिर बाढ़ की चपेट में। गंडक नदी के जलस्तर में हुए वृद्धि से उत्तर बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई जिलों में बाढ़ का पानी आ गया है। पानी अब नए नए इलाकों में फैलने लगा है। बता दें कि गोपालगंज में नदी खतरे के निशान के पार बह रही है।
वहीं जलस्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो वैशाली और मुजफ्फरपुर में भी नदी लाल निशान पार कर जाएगी। बढ़ते जलस्तर को लेकर जल संसाधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट करने रहने को कहा है। वहीं गंडक में उफान के बाद पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सारण जिले में विशेष निगरानी हो रही है। आदमखोर बाघ के शव को ले जा रहे पुलिस कर्मियों पर हमला। बगहा में आदमखोर बाघ को ढेर करने के बाद शव को गोवर्धना वन कार्यालय पहुंचाने के दौरान पुलिस कर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान एएसआई सहित कई पुलिस कर्मियों को चोटें आईं। ग्रामीणों का कहना था कि बाघ के शव को हमें सौंप दिया जाए। जब पुलिस कर्मियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट उठा और उन्होंने टीम पर हमला कर दिया। गौरतलब है कि बीते दिन शनिवार को आदमखोर बाघ को मार गिराया गया। बाघ ने कुल 11 लोगों को अपना शिकार बनाया था, तब जाकर वीटीआर की टीम हरकत में आई और बाघ को मारा गया। केंद्र तय करेगा उपचुनाव वाली सीटों पर उम्मीदवार। बिहार की दो विधानसभा, मोकामा विधानसभा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अंदरूनी तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप और प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है, जिसके बाद प्रदेश नेतृत्व की तरफ से 3 नामों का पैनल सेलेक्ट कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। बता दें कि जब केंद्रीय चुनाव समिति ही इन दोनों सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। आरजेडी की बैठक में जगदानंद सिंह अनुपस्थित। बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह दिल्ली में रविवार से होने वाले पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने की संभावनाएं बहुत कम है। जगदानंद के समर्थकों ने उनकी तबीयत खराब होने का हवाला दिया है। उनका कहना है कि जगदानंद पूरी तरह ठीक होंगे तभी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे। बता दें कि दिल्ली में आरजेडी का राष्ट्रीय अधिवेशन है। पहले दिन रविवार यानी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें अधिवेशन में रखे जाने वाले प्रस्ताव का चर्चा किया जाएगा। सोमवार को दूसरे दिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आरजेडी अध्यक्ष समेत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों का चुनाव होगा। इस बैठक में आरजेडी के सभी वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, विधायक, विधान परिषद सदस्य, सांसद शामिल होंगे। प्रशांत किशोर ने केंद्र और बिहार सरकार पर बोला हमला। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की जनस्वराज यात्रा इन दिनों बेतिया में चल रही है। इस बीच पश्चिमी चंपारण के मेनाटार्ड के बिराची बाजार में सभा को संबोधित करते हुए पीके ने केंद्र और बिहार सरकार पर हमला बोला। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस गुजरात ने 26 सांसद भेजा वहां बुलेट ट्रेन चलेगी और जिस बिहार ने 39 सांसद भेजा है उसको पैसेंजर भी नहीं मिलेगी। वहीं बिहार में बेरोजगारी को लेकर उन्होंने कहा कि पेट पालने के लिए बिहार के लोग बाहर जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि यहां तो इतना काम कर दिए हैं कि अब करने के लिए कुछ बाकी ही नहीं है। विजय चौधरी ने केंद्र पर लगाया आरोप। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केंद्र सरकार द्वारा बिहार के साथ दोहरी नीति एवं उपेक्षापूर्ण रवैये को लेकर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सर्वविदित है कि बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड में भगवान शिव का एक अति प्राचीन पौराणिक बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर है। स्थानीय लोगों की वर्षों से लंबित मांग रही है कि मंदिर के निकटतम रेलवे स्टेशन रघुनाथपुर का नाम बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन किया जाए। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई महीने पहले रेल मंत्री को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में बिहार के लोगों की भावना की उपेक्षा एवं दोहरी नीति का क्या औचित्य है। केंद्र सरकार अविलंब रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ रेलवे स्टेशन घोषित करे। पटना एसएसपी ने कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी पर दिया बयान। बिहार की राजधानी पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर वास्तविक स्थिति की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं किया गया है, लिहाजा अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कार्तिकेय सिंह के विरुद्ध जारी जमानती वारंट को दंडात्मक कार्रवाई की अवधि खत्म होने पर अदालत ने वापस ले लिया था और अगली प्रक्रिया जारी करने के लिए प्रार्थना की गई थी। कार्तिक सिंह ने पटना उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया, जिस पर दानापुर की अदालत ने सुनवाई को निलंबित कर उनकी याचिका को स्वीकार कर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी नहीं की। जब तक कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका का पटना उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा नहीं कर दिया जाता तब तक सुनवाई निलंबित रहेगी। बिहार में जारी हुई आज नई पेट्रोल डीजल की रेट। रविवार यानी आज देश में भी पेट्रोल डीजल की रेट जारी कर दी गई। वहीं अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो बिहार के कई जिलों में आज पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट करते हुए आम आदमी को राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है। पटना, गया, पूर्णिया, हाजीपुर, आरा, किशनगंज, सीतामढ़ी, बेतिया समेत अन्य शहरों में पेट्रोल डीजल रविवार को सस्ता हुआ। हालांकि भागलपुर और मुजफ्फरपुर में तेल के रेट में हल्का इजाफा हुआ है। राजधानी पटना में रविवार को पेट्रोल के दाम में 30 पैसे और डीजल में 28 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई है। में पेट्रोल 21 पैसे और डीजल 20 पैसे प्रति लीटर की दर से सस्ता हुआ है। हालांकि भागलपुर में पेट्रोल की कीमत में 40 पैसे और डीजल में 37 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 4 पैसे और डीजल 5 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हुआ है। हेड टू हेड प्रभुत्व के कारण भारत ने पाकिस्तान को किया दरकिनार।
भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप 2022 में 23 अक्टूबर को मुकाबला होगा। इसी बीच भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंदिता को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने माना कि हेड टू हेड प्रभुत्व के कारण भारत ने पाकिस्तान को दरकिनार करना शुरू कर दिया था और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी थी। उनका मानना है कि MS धोनी की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान के प्रति अपना दृष्टिकोण और रवैया बदल दिया था। अफरीदी ने आगे कहा कि मैं पाकिस्तान से माफी मांगते हुए कहता हूं कि भारत ने हमारे देश को साइड में रख दिया था, लेकिन अब वो चीजें वापस आ रही हैं। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम ने अपने अप्रोच में बदलाव किया और सब कुछ अब बदल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, राकेश शर्मा, मुट्टू रंगीला, विपुल कुमार यादव, मोहम्मद नौशाद, रजा शंकर मुखिया, सरिता पासवान, कुलदीप कुमार, अनवर करीम खान, मिनहाज शेख, भान प्रकाश मौर्य, राधा कुमारी, रंजीत कुमार ठाकुर, नुनू कुमार और कुमार कौशल सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके शहर में छठ महापर्व की तैयारी कैसी चल रही है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना।